मेरा तो ख्याल था सजाए मौत इनका दिल था सुनाने का, जो जो रिजवान अब्बासी ने तो मांगा था सजाए मौत। अब जिस तरह यहाँ कल जिस तरह ये आप ये कह रहे हैं, सलमान सफदर साहब बता रहे हैं कल कोर्ट का, तो मैंने आके लॉयर से, आज भी यहाँ लॉयर से कोर्ट में, मैंने कहा आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है, क्या ये आप लोगों को लॉयर्स को पता था कि ये पाकिस्तान का निज़ाम इस किस्म का है, ये इंसाफ का निज़ाम, अगर ये पता था, आप लोगों ने कितनी एफर्ट की है, लॉयर्स ने, इतनी बार एसोसिएशंस हैं, आपको पता था इस किस्म के जजेस हैं, आप सारे मुझे यहाँ बैठ के बता रहे हैं इनकी बैकग्राउंड क्या है सबकी, आप लोगों को ये पता था आपके अप्रूवल के साथ ये जजेस अपॉइंट होते हैं ताकि हम लोगों को ये इस किस्म का, पाकिस्तान की आवाम को ये इस किस्म का इंसाफ दे सकें, अगर आपको पता था आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती लॉयर्स एसोसिएशन की कि पाकिस्तान में जो इस किस्म के इंसाफ देने के दायरे पे ऐसी कुर्सी पे आप लोगों को बैठाते हो, आप उसकी उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होएगी। अब इस जज हसनात की बेचारे को तो कोई इंस्ट्रक्शन दे ही रहा था ना, वो तो हमारे सारे पाकिस्तान को पता है, जो कल उसने तमाशा लगाया वो तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उनका भी मजाक उड़वा दिया उन्होंने कल, मतलब परसों, मतलब सैटरडे को और मंडे को, जो इन बेचारों ने जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर, उनका जो इस बेचारे ने तमाशा बनाने की कोशिश की है, उन बेचारों का तो अपना तमाशा बन गया। असल में मसला क्या था, अब होना था क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होना था फॉरेन सेक्रेटरी का भी, एम्बेसडर का भी, और उस आज़म खान का भी होना था, ये तीन की विटनेसेस हैं। जब इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, आपको मैं बता देती हूँ कौन से नाम सामने आने थे, अब सबको पता होगा, शुरू से बता रहे हैं इमरान खान, डोनाल्ड ल्यू जिसने पैगाम भेजा, और जनरल बाजवा जिन्होंने रिसीव किया। ये दो नामों के खौफ से कि ये नाम ना आ जाएं क्रॉस एग्जामिनेशन में, आप सोचें आज इंसाफ का जनाजा निकाला गया बस, और आपका ख्याल है कि हम यहाँ आराम से बैठे, हम हाई कोर्ट आए थे इनके साथ कि जो कल तमाशा लगा, जो हमारे लॉयर्स को उन्होंने बाहर कर दिया, आप सोचें इनके लॉयर्स को बाहर फेंक दिया, जज कहते हैं मैं बैठूंगा तुम जाओ यहाँ से, हमारे साथ बदतमीज़ी की उन्होंने, फैमिली के साथ बदतमीज़ी की, आप, मैं बात कर रही हूँ वो लॉयर के साथ जो इन्होंने अपॉइंट किया है, जो बेचारा कह रहा था मुझे अपनी नौकरी की मुसीबत है, तो मैंने उसको कह दिया कि आपको अपनी नौकरी की फिक्र है, यहाँ पे इन लोगों को सजाए मौत या 14 साल सजा हो सकती है, यही मैंने कह दिया ना। आगे से जज साहब ने मुझे क्या कहा, और बड़ी बदतमीज़ी से उन्होंने कहा, आप धमकियाँ दे रही हैं इसको, आप धमकियाँ दे रही हैं, मेरे ऊपर चीखना शुरू हो गया, या इसलिए हम घरों से निकले हैं ताकि ऐसे इंसान वहाँ बैठ कर फैमिली के ऊपर भी बदमाशी करें, ये इंसाफ के तकाजे हैं। मेहरबानी से इनका ख्याल है कि हम बैठ के इनका तमाशा देखेंगे, आप मैं परेशान नज़र आ रही हूँ, नहीं, जंग इमरान खान ने कहा था ये इंसाफ के, वो क्यों जेल में बैठे, आज 200 केस हवा में उड़ जाएंगे एक मिनट में, कितनी देर लगेगी सबको पता है ना, 200 केस एक मिनट में उड़ते कैसे हैं, मैं तो सबसे समझ आ रही है बनते कैसे हैं, जो कल हुए ये तो हमें समझ आ गई बनते कैसे हैं, अब उड़ाना भी किसी को आता है और बनाना भी आता है, कोई फिक्र ना करें। इमरान खान असूल के मुताबिक, शाह महमूद असूल के मुताबिक लॉ के ऊपर बगैर नहीं तोड़ेंगे वो, और जो उनके केसेस हैं वो फेस करेंगे। एक चीज़, लोगों ने, बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट करके कहा कि ये देखें ये लोगों में इश्तियाल आएगा, मैंने कहा एक बात सुन लें, अब तो इश्तियाल किस चीज़ के लिए आपने इश्तियाल करने, हम भी तो आराम से खड़े हैं, लीगल प्रोसेस करेंगे इसके लिए, कोई इश्तियाल करने की, तमाशा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अब और भी लाजिम हो गया सबके ऊपर, इस निज़ाम को अगर हमने कबूल नहीं करना, अपनी अगली नस्लों के लिए नहीं कबूल करना, 8 फरवरी को 100% लोग अपना वोट डाके डालें बस, और कुछ भी ना करें सिर्फ वोट डालें। अगर आपने इमरान खान की जो सिचुएशन है, जो हमारे साथ भी कल यही होगा, जो आज इमरान खान और शाह महमूद एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस किस्म की क्रिमिनल बेइंसाफी हो सकती, तो हमारे साथ भी, सबके साथ होगा।
अपने आप को इस बेइंसाफी से बचाना है